अनजाने में यदि गुड़ जीभ पर रख दो तो मीठा लगता है कि नहीं? गुड़ क्या है, कहां बनता है, कैसे बनता है, कुछ भी पता ना हो फिर भी मुंह पर रखो तो मीठा लगता है कि नहीं? लगता है। अब गुड़ जैसा एक सामान्य पदार्थ भी जिसके बारे में कोई ज्ञान ना हो कुछ ना हो तो भी अपना प्रभाव दिखाता है, असर दिखाता है, तो भगवान का नाम अपना असर नहीं दिखाएगा? नाम की ये महिमा है। महाभारत के पंचरत्नों में मैंने कहा ना अनुस्मृति, जो विश्व से जुड़ी हुई, अनुस्मृति में एक बहुत सुंदर श्लोक है, नामनोस्ति यावति शक्ति पाप निर्हरणे हरे हे श्वपचोपि नरह कर्तुम क्षमस्तावन न किल्बिषम। भगवान के नाम स्मरण में जितनी शक्ति है, कौन सी शक्ति? पाप निर्हरणे, पाप को दूर करने की जो शक्ति भगवान के नाम में है, उतना पाप तो श्वपच अर्थात पिशाच भी नहीं कर सकता। बुरे से बुरा आदमी इतना पाप नहीं कर सकता जितने पाप धोने की शक्ति भगवान के नाम में है। ऐसा कोई विज्ञापन आता है ना, वो डिटर्जेंट, आपका बच्चा कपड़े इतने मैले नहीं कर सकता जितना हमारा डिटर्जेंट धो के साफ करता है। गंदे से गंदे दाग भी ये डिटर्जेंट धो डालेगा। एक 10 रुपए की नोट के लिए बच्चा कहीं कहीं घुसता है, नीचे कीचड़ वाला होता है, कभी कभी वो सॉस उसके ऊपर केचप गिरता है, खेल के मैदान में कीचड़ वो सब लगता है, चिंता मत करो ये डिटर्जेंट बस। अर्थात या पाप करने का यहां लाइसेंस नहीं मिल रहा कि करो जाओ और भगवान का नाम बोल दो, ऐसा नहीं। अभी तक किया होगा तो ये मत समझो कि हमने पाप किया है इसलिए हम भगवान के मार्ग पर जाने के अधिकारी नहीं है। बुरे से बुरा व्यक्ति भी इतना पाप नहीं कर सकता जितना पाप धोने की शक्ति भगवान के नाम में है। और इसीलिए तो भगवद गीता का 9वां अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग में भगवान कहते हैं, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी एक बार मेरे मार्ग पर आ जाए मैं उसको पवित्र कर देता हूं। नाम की बड़ी महिमा है प्रिय स्वजनों। श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी ने अपने प्रसिद्ध चरपट पंजरी का स्तोत्र में भी विष्णु सहस्र नाम का गौरव करते हुए कहा, गेयम गीता नाम सहस्रम धेयम श्रीपति रूप मजस्रम नेयम सज्जन संगे चित्तम देयम दीन जनाय चवित्तम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति दुख। और कुछ न कर सको प्रिय स्वजनों, ये 4 बातें याद रखना। गेयम गीता नाम सहस्रम, रोज विष्णु सहस्र नाम का पाठ करना, यत किंचित भगवत गीता का 1 अध्याय 1 श्लोक पढ़ना या तो सुनना, उस पर चिंतन करना। गेयम गीता नाम सहस्रम ध्येयम श्रीपति रूप मजस्रम, भगवान विष्णु श्रीपति लक्ष्मी के पति के रूप का चिंतन ध्यान करिए। नेयम सज्जन संगे चित्तम, दिन में थोड़े समय के लिए किसी संत महापुरुष सात्विक व्यक्ति जो है उसका संग करिए। आज के युग में ज्योग्राफिकल कंडीशंस के कारण फिजिकली पास में जाकर ना बैठ सको, सबके लिए संभव नहीं होता, कोई बात नहीं, सोशल मीडिया आपकी मदद कर रहा है, यूट्यूब चैनल पूज्य श्री भाई। जिस रूप में आप सज्जन का संग कर सको, सद विचारों को, शास्त्रों के ज्ञान को पा सको। और 4वीं बात श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी ने कही, देयम दीन जनाय चवित्तम, रोज थोड़ा सा कुछ भी तुम्हारा जो अर्जन है, तुमने अपने पुरुषार्थ से अपनी बुद्धि से अपना समय लगा करके जो पाया है उसका कुछ हिस्सा आपसे भी अधिक जिसको आवश्यकता है उसके लिए छोड़ना सीखो।
दान करो। मैंने कमाया इसलिए मेरा, अन्य लोगों का भी उस पर अधिकार है। शेयर करो, दान करो। ये चार जो करता है ना, उसके जीवन में पाप संभव ही नहीं है फिर। और नाम जप की महिमा करते हुए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में 10वें अध्याय में जब अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं तब कहा, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। 10वें अध्याय का 25वां श्लोक, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। थैंक यू। विष्णु सहस्र नाम के भाष्य में भगवान शंकराचार्य जी बता दे क्यों जप यज्ञ की इतनी महिमा। पहली बात, जप करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं। बाकी कोई यज्ञ करना हो, पूजा करनी हो, अनुष्ठान कोई करना हो तो दूसरे की आवश्यकता लगेगी आपको। पूजा करनी हो तो विद्वान ब्राह्मण आए वो कराए, और कुछ नहीं तो आग्रह रखते हैं कि भाई युगल स्वरूप में बैठो, पति पत्नी साथ में बैठे। अब पति की इच्छा हो पत्नी की ना हो, या पत्नी की इच्छा हो पति की ना हो, क्या तुम बार बार ये पूजा 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 लगाए रखती हो, हमें और कोई काम है कि नहीं, तुम्हारी तो बड़ी इच्छा होती है, मुझे अंदर घसीटते जाती हो। ऐसा पति कहे या पति की इच्छा हो और पत्नी इतनी प्रसन्न ना हो। जप यज्ञ करने में किसी की आवश्यकता नहीं जप में। दूसरी बात, दूसरे में हिंसा होती है, यहां कोई हिंसा नहीं है। दूसरे यज्ञों में खर्च होता है, आज के लोग तो पहले गिनती यही करते हैं ना, मुझे बड़ी वेदना होती है भाई, मैं मौका मिला है तो कह दूं, कथा के लिए आएंगे या फोन करेंगे, पहले 2 मिनट तो अच्छी अच्छी बातें, अपनी कथा आपकी कथा वहां सुनी थी, इधर सुनी थी, टीवी पे सुनी थी, हमें आयोजन करना है। फिर बड़ी नम्रता दिखाते हुए, मैं स्पष्ट इस पर जोर से बोलता हूं, नम्रता दिखाते हुए है, ऐसे तो नहीं लेकिन कमेटी के मेंबर हैं, घर में दूसरे लोग हैं तो जरा अंदाजा मिल जाए कितना खर्चा होगा। और इतना शौक लगता है मुझे ये जब सुनता हूं तो। नहीं नहीं शौक नहीं लगा, चिंता मत कर बेटा, नहीं नहीं कुछ नहीं, दुख होता है। मतलब ये कोई चर्चा का विषय हो सकता है? ठीक है, व्यावहारिक समझते हम सब, लेकिन उसके आधार पर कथा का आयोजन होना न होना ये कैसे तय हो? जप यज्ञ में ये कोई चिंता ही नहीं, क्योंकि कोई खर्चा ही नहीं करना है, आप स्वयं काफी हो, पर्याप्त हो। दूसरे जो अनुष्ठान करने हो उसमें पवित्र स्थान चाहिए, पवित्र समय चाहिए, मुहूर्त निकलवाओ, अच्छे स्थान में जाकर करो, या तो जो स्थान है उसको शुद्ध करो। नाम जप में ये भी कोई चिंता नहीं है, जहां हो जैसे हो, अर्थात स्नान करके बैठो तो अच्छी बात है, बहुत संभाल कर और सावधानी के साथ ये कहता हूं, एक बार नहीं भी होगा फिर भी जप कर सकते हो आप। अर्थात स्नान करके बैठते होगे तो बंद मत करना कल से, स्नान करके मंत्र जप करने बैठते हो अच्छी बात है, लेकिन कभी कोई ऐसी परिस्थिति आ गई कि आप नहीं कर सकते तो भी जप यज्ञ में कोई दोष नहीं है, मंत्र जाप में कोई दोष नहीं है।